जीवन है यात्रा और यात्री है हम, अभ्यास है जीवन और विद्यार्थी है हम। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ तेज साहू और द लोक मीडिया के सात सवाल तेज संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जो पूरे देश भर को यानी कि 29 राज्यों को साइकिल से राइड करके यात्रा किए हैं, घूमे हैं। हाँ, तो कोया किंग से आपको रूबरू हम लोग कराने वाले हैं, योगेश मरकाम जी। योगेश मरकाम जी के बारे में आप जब गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कि छत्तीसगढ़ का एक पैसा वाला जो पूरे देश भर साइकिल से घूमता है, बहुत स्वागत है। योगेश भाई, आप जब यात्रा शुरू करते हैं कहीं भी रुकते हो, ब्लॉग आपका आता है इंस्टाग्राम फेसबुक में, आपको जो इंट्रो है ना यार बड़ा सुखद लगता है, तो वही इंट्रो से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ भाई। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम संगवारी हो। मैं योगेश ऑल इंडिया साइकिल राइडर और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे लोक मीडिया भाई लग जो मोला अपन मन के चैनल में बुलाए, तो बहुत दिल से धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा थे और बहुत अच्छा भी लगा थे भाई के साथ बैठे हम सुगर से हमन बात करो वो भी छत्तीसगढ़ी में और हिंदी में। बिल्कुल, कहा कि हमर जन छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के जब हमन बात करते हैं तो हमर सुगर गोठ हमन जब उठ जाते हैं। अक्का सात सवाल के बात हो था, सात सवाल तो हम करे करो गुड बात मतलब करना ही जी। घर ले दूर जा अति ग्राज सभी ज्यादा सुरता का घर सबले ज्यादा तो सुरता सब जन लाते जे हा हमन ला जन्म में माँ और पापा बहुत ज्यादा सुविधा आदरित और बहुत मोर कलिक है दोस्त यार है उन मन के सुविधा आदरित मतलब जो है तो जो मन मोला बहुत ज्यादा है सबके सुविधा है सबसे ज्यादा तो माँ पापा की खबर जो मन हमारे लाए जीवन में लाइस और बोला वो लायक बने और आज मैं वो काबिल बने हूँ और मन के मान सम्मान आदि करे हूँ तो मन उनके बहुत ज्यादा याद आते भी याद आदरी थे अब आते यार तो हर कोई लाते जी हाँ लगे रहते हुए तो करते थे कर भी याद आते तो याद आते ही सब यात्रा की शुरुआत हुई सब है वो एक बच्चा लगभग होने वाला है 26 मार्च से शुरू करवाए करेस अब आज हम जब बैठे हैं हम जब शुरू करते हैं तो आज 15 मार्च से गैस पर एक साल के कम समय में तो पूरा भारत घूम लेते हैं ऐसा करने हाँ घूम जाए आओ कर से पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कब निकले हैं घूमने का सही ना अब बताया नहीं हूँ और मोर देश का बताया नहीं हूँ तो कोई मतलब ही नहीं है मोर भारत घूमने की तो ये सब जन हमारा ऑडियंस है आपका ऑडियंस वाला भी जानना जरूरी है कि हम काबर भारत घूमे और का स्थिति घूमे और का रीजन है का तो मैं है स्टार्ट कर 26 मार्च 2022 में 26 मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं और मूल उद्देश्य जैसे ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया भारत को स्वच्छ बनाओ और पेड़ लगाओ और अपन छत्तीसगढ़ टूरिज्म में आगे बढ़ाना चाहते हैं प्रमोट करते हैं हर जगह में जाके अपन छत्तीसगढ़ के बारे में लोगों को बताते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे सुंदर सुंदर जगह आवे जोला अमन बाहर के मन आए और एक बार घूम के देखे तभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा एक से बहुत सारे चीज है हमारे छत्तीसगढ़ के GDP है सुधार हुई और लोग मन रोजगार दिए तो मोर यही प्रयास से दो ठन उद्देश्य मैं पूरा भारत योगेश और अब के योगेश पहली के योगेश और अब के योगेश में योगेश तो ही हम है लेकिन एक दिन कर ये हो जाए वो बढ़ गया अब कोनो जगह नहीं जाता है इसका समाज में लड़का नहीं है लड़का ना बस हाँ वो बात भी सही है लेकिन मैं अपन सब जन के बीच में मैं वही योगेश देखना चाहता हूँ वही योगेश रहूँ मैं सब जन के बीच में और आप मन बोले हैं अभी मोला कि कौन जगह जाता है मतलब थोड़ा बढ़ गया कर वो बात भी सही है थोड़ा लोगों मन के एक नजरिया हो गए कि नहीं साइकिल राइडर है आगे और मिलते और कुछ दिन पहले मैं सोचा था कि यार थोड़ा कौन मिले कौन बात करे लेकिन आज जो मन मिलते हैं बात करते बड़ा अच्छा लगता है हर जगह जाता हूँ तो थोड़ा अलग वाला रिस्पेक्ट देते हैं और मान सम्मान देते हैं और अपन ये अपन छत्तीसगढ़ में मोला यूथ आइकन बोले जाते हैं कि अभी यूथ आइकन मतलब ऑल इंडिया साइकिल राइड करे हो छत्तीसगढ़ के और आप सभी लोग बताना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ के फर्स्ट राइडर हूँ और राइडर हूँ लेकिन वो जो ऑल इंडिया ला घूमे हूँ मैं फर्स्ट घूमे हूँ और पता नहीं हो कोई घूमी हुई तो नहीं पता लेकिन मैं गूगल में देखता हूँ ना तो मैं फर्स्ट आया अगर पीछे भी कहानी का है ये सबके पीछे घूमे कहानी का है ओला भी बताऊँ मैं वैसे पहले तो बात आई से हमारे मतलब लोग मन का आया बहुत अच्छा करते बहुत मान सम्मान लेते और मोर वजह से मोर माँ पापा बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो आज जिन सवाल जवाब तो बहुत रही थी लेकिन ये बीच में पहले तो हमारे इलाज आने की आप लीगल के गांव
गांव के बारे में बता, अपन बारे में बता। हाँ ऐसे तो मैं किसान घर के फैमिली के रहा हूँ और एक आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और गांव यहाँ से रायपुर से समथिंग 2 किलोमीटर दूर है जो जंगल के बीच में है, जो ना फॉरेस्ट एरिया में बोला जाते हैं, जो ज्यादा से वंचलित एरिया में है। तो वो एरिया में मोर गाँव है छोटे से लिखमा, वो गाँव में मैं पैदा हुआ हूँ, हमारे गिरिग्राम लिखमा में। और बहुत खुशी होती कि मैं किसान घर के बेटा पैदा हुआ और एक आदिवासी रह पा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक आदिवासी भी हूँ, क्योंकि मैं जंगल के बीच में रहे हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है प्राकृतिक से, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक नहीं रहेंगे तो हमन भी नहीं रहा। तो मोर जो जीवन है ना हमारे गाँव में बीते, उसके बाद मैं पढ़ाई के बाद करना, पढ़ाई तो ज़्यादातर नहीं करे हूँ मैं, 12वीं पास करे हूँ, उसके बाद मैं HM करे हूँ, होटल मैनेजमेंट कोर्स बोलते हैं। तो जो 10वीं है मोर गाँव तक पढ़ेगा, उसके बाद 11वीं 12वीं में अपन बड़े माँ के गांव में और मामू के यहाँ रहते पड़े हूँ, जैतपुरी और आम गांव वहाँ रहते पड़े हूँ। उसके बाद मैं HM करे हूँ, HM करने के बाद मैं होटल लाइन में जॉब करे हूँ, मैं होटल लाइन में जॉब भी करे मैं 17 साल इसमें तभी निकल गए मैं जॉब करे, दिल्ली में मैं जॉब करे, वैसे होटल लाइन में मैं 2-2.5 साल तक जॉब करे हूँ, हर जगह में अलग अलग होटल में इसमें जॉब करे। और बाद जॉब के दौरान फिर आगे अप्लाई में नर्सिंग फील्ड में घुस गए, मतलब हम एक संस्था आ गई में सेवा नर्सिंग करके, तो वो वहाँ के एक संस्था में मैं पहले काम कर, मतलब ये ऑल इंडिया नहीं करने से पहले उनसे जॉब करते रहे, उनसे जॉब कर रहे। उसके बाद ये ख्याल इसकी साइकिल से हाँ घूमा जाए देश का, सही बात है, ये बहुत बड़े मतलब पॉइंट लगते, मोर का पॉइंट लगते कि हर कोई बोलते ना रहते हैं मोटिवेट हुए हो गए दूसरा से, मैं बोलता हूँ मोटिवेशन अपन खुद के अंदर, अगर तय है अपन माँ पापा के बार सोच भी तो तय खुद मोटिवेट हो, हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन हमन है हमारे माँ पापा है, तय माँ पापा की इज्जत ला आगे बढ़ाए आगे सोच भी ना तय खुद इतना मोटिवेट हो गए। तो मैं भी वही सोचा था कि लाइफ में ऐसे क्या काय चीज करूँ मैं कि जेकर से मैं अपन अपन जिला अपन समाज ला अपन यही ला आगे बढ़ा सकूँ और अपन छत्तीसगढ़ ला मैं आगे बढ़ा। तो सोचा हूँ मैं एक दिन गूगल में सर्च मार के देख रहे हो मार्च में 5 मार्च के ना गूगल में सर्च मार रहे अच्छा 5 मार्च तो उसी दिन मैं सोचे रहे हूँ कि मैं ऐसे का चीज कर रहा हूँ, तो वो दिन मैं गूगल में सर्च मार रहा हमारे छत्तीसगढ़ के मन का करके रखे, तो बहुत झला देखे हम बहुत बहुत कुछ करें हमारे छत्तीसगढ़ के मन भी कम नहीं है, हर चीज में आगे हमें हर चीज में मैं चाहता हूँ कि हर चीज में और आगे जाए, तो मैं भी चाहूँ कि मैं क्या करूँ। तो मैं ये बात रही थी कि कौन काय का कर रही है, तो गूगल में सर्च मारे छत्तीसगढ़ में पहले साइकिल में कौन घूमे तो काकुर नाम नहीं है, तो खुद ही मोर दिमाग बन गया कि मोलक करना है, काबर की एक चीज है भीड़ में चले हुए पहचान नहीं बन, कुछ अलग कर ले तब पहचान बन। तो मैं भी वही चाहूँ कि कुछ अलग करना है जिंदगी में, चाहते हैं करना है, तो साइकिल में डिसीजन ले, मेरा साइकिल में पूरा भारत घूम गया और डिसीजन ले हूँ 5 तारीख को देखे हूँ, उसके बाद ना मैं यहाँ पूरा सामान वामान लेके 26 तारीख को निकल गया। तो मोर मेन बहुत बड़े पॉइंट है गूगल में सर्च मारे ना छत्तीसगढ़ में कहा था, वो मोर बहुत बड़े पॉइंट है, कोई मोटिवेशन इसकी कोई कुछ नहीं करना, तो एक साइकिल जरूरी इसकी छत्तीसगढ़ बोला एक झंडा का। और आज गूगल में मैं सर्च मारता हूँ योगेश मरकाम कौन है, तो योगेश मरकाम में कॉलेज में साइकिल राइडर है, बोलते तो बड़ा अच्छा लगता है गूगल का, गूगल भी जानने स्टार्ट कर दी, कल के दिन में गूगल नहीं जाना थी आज, लेकिन गूगल जानते हैं बड़ा अच्छा क्या बात, गूगल जानने से तो फिर सब जान जान रही है। तो आज के समय में कोनो किला यदि घर परिवार में जब बात करते हैं तो अपन पसंद के तो सब्जेक्ट अलग चुने लेते हैं, ऐसे कर वो ऐसे कर, जॉब में रहे समान एक आदिवासी परिवार ऐसे अंचल जाते जहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है ना, तो ये बीच में माता पिता का अलग और सलाम कि वो अलग ही समान है इसका, पर कोनो बिता सपना दिखा के आगे बढ़ाना सिर्फ मन में इतना दिन तक दूर में रहना और दादी मन तो फिर जानते सब। सही बात है, आप बहुत अच्छा सवाल पूछे भाई, एक मतलब माँ पापा ला मैं यहाँ पहले नहीं बता रहा, मैं हाँ जब बताया जब मुझे जाना रही ना ओकर एक या दो दिन बताया, काबर मैं पहले बता रहे घर वाला जाए नहीं तो देख कहाँ जा रहे थे, माँ भी माँ पापा भी माँ पापा तो थोड़ा एग्री हो जैसे पापा चाहते इसके कुछ करते हैं लाइफ में, तो मैं सोचे हूँ कि माँ भी बताया तो माँ बोली इसके कहाँ जा रहे हैं गाने बढ़िया काम करते हैं, बोली तो मोर एक चाचा हो गए हमारे जिला सदस्य है मनोज साक्षी चाचा,
तो मनोज साक्षी है, उनका नाम है श्री मनोज साक्षी, वो चाचा है, वो जिला सदस्य है बर्दन तरीका है। तो ओकर से मैं बात करें तो ओकर से हम कलेक्टर कर मिले हुए हैं, बात बात करें मैं तो इंटरेस्ट में जो समय में हाँ कलेक्टर हमारे धमतरी जिला के कलेक्टर श्री अलमरी से अलमा अलमा करके से ओहर इस ओकर से बातचीत करें तब हमारे जो चाचा है ना मनोज साक्षी ओहा बहुत मोर मदद करी मोर माँ बाप पढ़ाई भी करे और एक जिद और जुनून रही से मोर तो मो ओकर पीछे ना मोर माँ और पापा और चाचा भी ए हो गई कि नहीं यहाँ जिद डर दे ओकर मतलब जहूँ मने मैं तो उस दिन रात में बोल दे मोला एक दिन पहले 25 को मैं जहूँ मने जहूँ बस लगा रहे हूँ मैं नहीं जाना जहूँ तब माँ भी बोली कि ले ठीक है अब कुछ करना चाह रहा है जा चाचा थोड़ा समझे तो समझ गए तो माँ पापा मन भी एग्री होंगे और एक चीज अरे कुछ भी करे से पहले अपन माँ पापा मन परमिशन ले तो जरूरी है उमन के सपोर्ट भी नहीं हुए और एक चीज भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा लाइफ में कुछ करना है मन ना तो माँ पापा बिना बताए भी डिसीजन ले पड़ते और वो डिसीजन में तुरा कुछ ना कुछ करके दिखाई पड़ी वरना तो यहाँ वो समय गलत साबित हो जाए। तो मैं यही सोचता हूँ कि बिना अगर तुरा लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना भी है ना तो घर में घर वाला मन मानत नहीं है ना तो ओकर अपोजिट जाके तुरा डिसीजन ले पड़े तुरा कन्फर्म मालूम मतलब करना है मैंने करना है अगर दो पास आगे करना है मैंने करना है दो पास जिद और जुनून है ना तो मतलब वो माँ पापा मन भी ना एग्री हो जाए जब तक सक्सेस हो जाए पूरे का क्या बात है सफलता साफ है शालीनता की बात है सुधार नहीं तू सुधर खुद को तू उदाहरण बना करके मगर लगी सही बात।